नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश की नदियों के बारे में। बिहार में इन दिनों भारी बारिश तो नहीं, लेकिन प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में जो है बाढ़ जैसे हालात है। उत्तर बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बता दें कि उत्तर बिहार की कई नदियाँ इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी के जलस्तर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सुपौल तटबंध के आसपास के बसे लोगों के सामने अब जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। इन इलाकों में फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। गांव के घर में पानी घुसने लगा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। सड़कों का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। ऐसे में अब बाढ़ के इस हालात में पीड़ितों के लिए नाव ही एक बस सहारा रह गया है। हालांकि जो स्थिति है उन इलाकों में नाव की भी कमी है। जिला प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था करने की बात जो है लगातार लोगों की तरफ से मांग की जा रही है। कोसी के जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद से दुबियाही, मौजाहा, बौराहा, नवाबाखर, परमाधव का लगभग 36 वार्ड जो है पूरी तरीके से कोसी की बाढ़ से प्रभावित हो गया है। इन इलाकों में ग्रामीणों के पक्के मकान नदी में समा गए। कोसी में हो रही कटाव के बाद से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से कई पंचायत हैं जहां पे हजारों परिवार जो है पूरी तरीके से लगातार हो रही पानी में बढ़ोतरी यानी कि कोसी नदी में हो रही बढ़ोतरी के बाद से लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी जो कि जीवनदायिनी कही जाती है, वह अब जो है अपने विकराल रूप धारण कर ली है। गंगा नदी के आसपास के इलाकों में भी बाढ़ की चपेट में लोग आ रहे हैं। बता दें कि गंगा नदी में पिछले 4 से 5 दिनों में नदी के जलस्तर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। मटिहानी प्रखंड के नया गांव में कुछ ऐसे ही हालात उत्पन्न हो गया है, जहां गंगा नदी के कटाव का विकराल रूप जो है अब लोगों के बीच में सामने आ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के कार्य जो है किए जा रहे हैं जिससे कि कटाव से बचा जा सके। आपको बता दें कि प्रदेश के इन दिनों भले ही बरसात का समय नहीं चल रहा हो लेकिन प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। इसके बाद भी प्रदेश के उत्तर का हिस्सा इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। बाढ़ का एकमात्र कारण है नेपाल में हो रही बारिश, जिसका पानी सीधा बिहार में आ रहा है और बिहार में बने बराज से पानी को छोड़ा जा रहा है, जिससे कि नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद से यह रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सुपौल बराज और पश्चिम चंपारण में स्थित बराज से 2 लाख से 3 लाख क्यूसेक तक का पानी छोड़ा गया। वहीं अगर हम गुरुवार की बात करें तो दोपहर के 12 बजे तक 1,52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार वीरपुर स्थित कोसी बराज पर शाम यानी कि बीते दिन शाम 6 बजे तक जो है कुल डिस्चार्ज 2,43,180 क्यूसेक दर्ज किया गया, जिसमें कि 5,000 क्यूसेक पानी पूर्वी मुख्य कैनाल पर, 2900 क्यूसेक पानी पश्चिमी मुख्य नहर से छोड़ा गया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि नेपाल स्थित बराज क्षेत्र में कोसी का कुल जल प्रवाह जो है 1,72,500 क्यूसेक जो है अंकित किया गया है। यानी कि कोसी के इस इलाके में जो है नेपाल से इतनी पानी आ रही है, जो कि जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के बाद से अब कहा जा रहा है कि कोसी में जो है थोड़ी सी कमी के संकेत जो है मिले हैं। ऐसे में ये बस यही उम्मीद की जा रही है कि इन इलाकों में जो है नदियां एक बार फिर से नियंत्रण में आ सके, ताकि लोगों का जनजीवन एक बार फिर से सुचारू रूप से पटरी पर आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, नदियों में जिस तरह से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, उसका एकमात्र कारण है नेपाल में बारिश हो रही बारिश, और उसी के बाद से डैम में जो है एक तरह से कह लें कि दबाव बढ़ता गया, उसके बाद से जो है पानी छोड़ना पड़ा है, और जिसके बाद से नदियों का जलस्तर एकदम से बढ़ गया है। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।